नमस्ते। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से बनने वाला लच्छा पराठा। देखिए इसके लच्छे, इसके लेयर्स कितने अच्छे से खुल करके सामने आए। बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है ना कि इसके जो लेयर्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, तो आज मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको जिससे कि आपके ये जो लेयर्स हैं बहुत ही खिल करके सामने आएंगे। आइए देखते कैसे बनाते इसे। मैंने गेहूँ का आटा ले लिया है और पानी डाल करके उसे मैंने एक सॉफ्ट सा डो बना लेना है। सॉफ्ट इन द सेंस बहुत सॉफ्ट नहीं चाहिए, जैसा हमने रोटी या पराठे के लिए डो बनाते हैं ना हम, बस उसी तरीके से हमें बनाना है। अब मेरा आटा रेडी हो गया है। इसका एक पेड़ा मैंने निकाल लिया है और इसे आटे की डस्टिंग करके रोटी का नॉर्मल शेप दे दिया है मैंने। देखिए अब इसके ऊपर ये घी स्प्रेड कर लिया मैंने चारों तरफ। अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए और इसके ऊपर गेहूं का आटा से ही डस्टिंग करना है। मतलब गेहूं का आटा थोड़ा थोड़ा चारों तरफ इसके ऊपर छिड़क देना है ताकि ये जो लेयर्स है ना वो आपस में चिपके नहीं। अच्छे से इसे फैला लेंगे हम, बस इस तरीके से एक फोल्ड लेंगे, एक थोड़ा सा उठाएंगे इसे। और देखिए ये आधा हमें नीचे रखना है, आधा को में घी लगाना है, आधा सूखा रखना है। जहाँ मैंने घी लगाया उसके ऊपर आटे की डस्टिंग करनी है और फिर से सूखा वाला उसके ऊपर फोल्ड कर देना है। इसी तरीके से पूरे रोटी को हमें करना है। ये जहाँ भी हम घी लगा रहे हैं ना वहाँ पे हमें डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, मतलब आटा वहाँ डालना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे लच्छे खुल करके आएंगे सामने, नहीं तो वो आपस में चिपक जाएंगे, जो अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है लोगों के साथ लच्छा पराठा बनाने के टाइम पे। ये देखिए, और ये जो लेयर्स है ना उसे आप आपस में चिपका दीजिए, थोड़ा प्रेस कर दीजिए बस। देखिए ये पूरा रोटी मेरा बस इसी तरीके से ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बस ये रोटी रेडी हो गया। अब इसे थोड़ा सा खींच लेना है लंबा हमें। अब इसे सर्कुलर मोशन में एक एंड से घुमाते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेकर के चले जाना है और दूसरे वाले किनारे को ना थोड़ा सा प्रेस करके चिपका देना है हमें बस। और हाथ से इसे प्रेस करके देखिए हमारा पेड़ा रेडी हो गया है लच्छा पराठा बनाने के लिए बिल्कुल। अब इसमें कुछ नहीं करना हमें, बस इसे बेलना है। हम आराम से आप इसे रोटी का शेप दे दीजिए गोल, हल्के हाथों से बेल करके इसे आप रोटी का शेप दे दीजिए। ये देखिए हमारी रोटी रेडी हो गई है। इधर मैंने तवा दिया था गर्म होने को, इसमें मैंने डाल दिया है रोटी। ये देखिए कितने अच्छे से लेयर्स दिख रहे हैं ना सारे, ये ऑलमोस्ट एक साइड में अब बन गई है। अब उसे हमें फ्लिप कर लेना है। देखिए ब्राउन ब्राउन सी हो गई है ये। अब घी लगाएंगे हम इसके ऊपर, आप घी या तेल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एक साइड मेरा घी लग गया है, इसे आप पलट लीजिए। उसी तरीके से हम दूसरे साइड भी स्प्रेड करेंगे। बस रेडी हो गया हमारा लच्छा पराठा। आप इसे किसी भी सब्जी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, ये बहुत ही तारीफ करेंगे सभी खाने के बाद इस। देखिए कितने अच्छे से ये ब्राउन ब्राउन हो गया, बस इसी तरीके से हमें इतना ही चाहिए। रेडी हो गया हमारा लच्छा पराठा। देखिए सारे लेयर्स एकदम खुल करके सामने आए हैं। बनाइएगा ज़रूर और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा कैसा बना है ये। थैंक यू।